हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. सो आई एम जस्ट मेकिंग अ टी एंड इट्स इवनिंग टाइम. वैसे तो हमारे लिए इवनिंग टाइम है बट यहाँ पर इशा की अजान हो रही है और आई थिंक टाइम हो रहा है 6:20. सो आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ कोई भी न्यू चीज़ आती है और आपको वो चाय यूज़ करने के लिए किचन के ही लिए क्यों ना हो तो आपको यूज़ करने में एक्साइटमेंट होती है. बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड टू यूज़ ऑल ऑफ न्यू थिंग्स. सो या और अभी इसके अलावा तो बहुत चीज़ें हैं अब यूज़ करने वाली जबकि वो डेली यूजेस के लिए ही ली हैं. सो और ये है किचन टावर जिसको मैं यहाँ हैंग करूँगी. अंदर पानी नहीं है सो हम यहाँ से रिफिल करते हैं. वेट ओके. इसको मैंने निकाल लिया है. असल में ना इसका वो नहीं था खुलने वाला. इसका ना शोर बहुत है. तो ये हो चुका है. मैंने हाफ हाफ ही लिए क्योंकि एक तो ये मग बहुत बड़े और इसका हाफ भी तकरीबन किसी छोटे कप का जो है फुल ही होगा. सो अब निकालते हैं लाइटर. अब इसके अंदर डालते हैं चीनी पत्ती और जब तक ये कहवा बने. ये चीनी का बॉक्स भी जो है कंटेनर इसको भी धोने वाला हो रहा है और सेकंड ये कि इसको रिफिल भी करना है. तो ये जब खाली होगा तो मैं कह रही हूँ तब कर लूँगी धो लूँगी एंड देन आई वॉश इट. इधर की ना ये शुगर बहुत बारीक पिसी हुई होती है इसलिए बहुत ज़्यादा डालनी पड़ती है. और इस बार आई हुई है ये टी. के 2 टीस्पून डालेंगे. ओके सो अब इसमें ऐड करते हैं ये एवापोरेटेड मिल्क. एक तो ना इसको मैंने खुद वो किया है ना दैट्स व्हाई और नहीं निकल पा रहा है सही. ओह इसके अंदर तो बर्फ़ जम गई है. वाह. रोज़ाना मेरे ख्याल से तो ऐसे ही ब्लॉग लेंगे क्योंकि डेली रूटीन स्टार्ट हो गई है और न्यू चीज़ मेरे पास है नहीं. तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि किस तरह के ब्लॉग्स अब मैं बनाऊँ. सो थोड़ी सी आग हल्की कर लिए ताकि ये सही से पक जाए. ओके सो ये यहाँ पर मैंने वॉश करके रखा हुआ है और ये देखें मैंने सिंक में रखा है इस तरह ये. और अब ये जो यहाँ पानी है ना वो यूं क्लीन हो जाएगा. लगते हैं यहाँ पर. ओके सो हम लोग जा रहे हैं उथेम में. कुछ सामान लेना था. एक दो मुझे जैम लेना था मेन चीज़. फाइनली वो वाला रूम जो है वॉश हो चुका है धो लिया है. बोलो दोबारा से क्या बोल रहे थे. क्या बोलो भाई मैं जितना ज़्यादा बोला पाला जितना हल्के बोल रहे हो ना किसी को भी नहीं आवाज़ आएगी. तेज बोला करो तो किसी को समझ आएगा. ऐसे कोई भी नहीं देखेगा. आप तेज बोलो. कल जैम लेने गए थे किसी इंडियन शॉप पे और वहाँ पर ना उसको जाकर समझा रहे जैम चाहिए जैम. उसने सुना जैम उसको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या है जैम ना. फिर कोई क्या दिखाया था आपने क्या दिखा रहे तो फिर उसको कैसे समझ आया कि जैम. इसको बताया ब्रेड पे लगाते हैं भाई.
उसको इतने घंटे में उसको समझ आया, वो पे क्या बोला उसने, जाम होता है जाम। जाम होता है जाम, और फिर भी वो नहीं मिला। तो अब फाइनली मैं खुद ही जाकर लेकर आऊंगी जाम, और मैं जाम कुछ और समझी थी। जाम आ रहे हैं, कहाँ गए होते हैं वो हो रहा। ये हर्फी से आगे वो रेड जो बोर्ड दिख रहा है ना, ये होते हैं मैं, बट हमें जाकर फ्लाईओवर से राउंड करके फिर आना पड़ेगा। ये दिन में इतना प्यारा लगता है, किसी दिन दिन में वीडियो बनाऊंगी डे टाइम पे। उठे माँ बहन, हाँ वो वहाँ पर चल के मैं कर लूँगी। और ये वाला आपको मॉल मैंने पहले भी दिखाया हुआ है, क्योंकि इसके ही बैक साइड पे मैं रहती थी। अब वॉकिंग डिस्टेंस का नहीं रहा ये, चलो वो तो ले लेते बास्केट। पता है अब कहीं भी वीडियो बनाते हुए डर लगता है कोई आकर ना बोले हमारी क्यों बनाई, जैसे इन्हीं के लिए मैं रह गई हूँ बस बनाने को। 17 का है। और वहाँ कितने का था? वहाँ पर ये सेल में था ही नहीं, 14 रियाल का था ना। ये तो छोटा वाला लिया था 200 ml जो 14 रियाल का था। ये रहा ना, हाँ आज यहाँ मंडे यहाँ सेल लगे होते तो मुझे क्या पता था। मारो मारो फिर सब सुनेंगे इसके अंदर के, देखो कितना जालिम शोहर है। पता है मुझे ये वाला जो है ना चाहिए था शैम्पू, और ये अब देखो यहाँ पर 11 रियाल का लगा हुआ है। मुझे देख कर इतना दुख हो रहा है क्योंकि मैं ले चुकी हूँ और लिया भी अभी है। हाँ तो बस फिर ये कंडीशनर ले लेती हूँ, बट इसी का ही अगर मैं शैम्पू ले लेती तो ज़्यादा अच्छा था। अब वो हो रहा है मुझे, असल में एक तो मुझे ये बॉटल बहुत अच्छी लगती है, और दूसरा इसका मैंने काफ़ी ब्लॉगर्स को देखा था तो मैं सोच रही थी ट्राई करने का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रीजी हेयर्स हो गए मेरे ना, पहले नहीं थे बट अब हो गए। और काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई है यहाँ पर, देखो ये जितने भी येलो पेपर्स हैं ना इन पर रेट लिखे हुए हैं उसके। वो छोटी वाली नहीं थी, ये ले लो फिर। और ये वाले कौन? तो फिर क्या करें, मुझे वाइट चॉकलेट अच्छी लगती है वैसे ज़्यादा ना। बोलो अभी तक हमारी चॉकलेट डिसाइड नहीं हो रही है। अरे जाम जाम मिल गए, यही तो होते हैं हलवानी के आप जो कह रहे थे, ये जैम ही तो होते हैं, मुझे जहन में ही नहीं था। और ये क्या है, हाले स्ट्रॉबेरी, ये क्या है, एप्रिकॉट जैम, हाले एप्रिकॉट जैम, ये रसबेरी है। ओ नहीं, ये ड्रम स्टिक्स बनाऊंगी कल, रख लो अभी पर हैगा मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी वो खोल दिए मैंने बॉटल। ही इज़ ऑब्सेस्ड विथ ऑलिव ऑयल। अब ये कुकिंग ऑयल भी, पहले पराठे हमारा घी कैंसिल हुआ, फिर हम पराठों पे आए ऑलिव ऑयल पे, हम कुकिंग ऑयल से भी जा रहे हैं क्योंकि हम ऑलिव ऑयल पे आ जाएंगे। बहरहाल यहाँ पर जो है ये फिश के उस पर जो है ना सेल है, और मुझे बनानी भी है, ये ले लो। पता है हर चीज़ फिश का है, मैंने चेक नहीं किया, मुझे कंफर्म नहीं है। हर चीज़ के ना प्राइस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं वैसे इस बार ना, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, मेरा क्या कसूर है। कार भी इतनी दूर पार्क की है ना वहाँ पर, अब चलते जाओ। वो देखो जो शॉप है ना, जाओ लाइट, ये लाइट्स वाली बिल्डिंग उसके बराबर में वहाँ था हमारा पुराना घर, और अब स्ट्रेट जाकर है। सो आई एम जस्ट गोना मेक ड्रम स्टिक टू नाइट, सो उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं। इसके अंदर थोड़े फॉक्स से जो है ना कट लगा रही हूँ, कट नहीं मतलब ऐसे कर रही हूँ कि इसका मसाला जो भी मैरिनेशन होगी ना वो अंदर तक जाए। मैरिनेट करके मैं रखूँगी फॉर एटलीस्ट 7 to 8 hours। बाकी हस्बैंड गए हुए हैं अपनी फील्ड पर, तो वो दोपहर में आएंगे या थोड़ी लेट आएंगे, आई डोंट नो। और मैं ये जो है ना स्किन के ही साथ बना रही हूँ, क्योंकि मैंने रेसिपीज़ वगैरह देखी थी वो स्किन के ही साथ बना रहे हैं। सो आई एम जस्ट डूइंग दैट, जब तक हम फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं।
सो मैंने काफ़ी हद तक कर ली है। अब मुझे ये बहुत ज़्यादा लग रही है तो मैं इसको दोबारा फ्रीज कर देती हूँ और इसके अंदर स्पाइसीज ऐड करके इसको मैरिनेट करने के लिए रख देते हैं। आई पुट दीज लेग्स इन इट। और ये मैंने काफ़ी लास्ट टाइम जब रह रही थी तब लिए थे, फिर ज़ाहिर है मैं चली गई थी, हस्बैंड अकेले अपने लिए इतना कुछ ला नहीं रहे थे। सो ये रेड चिली पाउडर तो मैंने इसमें डाल दिया है। नमक ऐड करते हैं, तो हर चीज़ एज यू वॉन्ट टू टेस्ट। ये इतना सो मैंने इसको रिफिल कर लिया है, और क्योंकि असल में इसका अंदाज़ा नहीं है ना कि कितनी स्पाइसी है। इसमें है रेड चिली पाउडर, सॉल्ट और रेड चिली फ्लेक्स, और मैं इसको ऐसे डाल रही हूँ। असल में ना ये मैं बैक कैमरे से बना रही हूँ वीडियो ट्राईपॉड पे रखकर, तो मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि ये शो हो रहा था या नहीं। अब ऐसा ऐसा मैं मैनेज करूँगी। के अंदर डाल के ना थोड़ा और कूट लिया था ताकि पेस्ट की तरह हो जाए। काफ़ी हद तक मुझे तो सही लग रहा है। इसको 1 कप इसका बॉटल का जो है ना वो ऐड कर रही हूँ। सही, यहाँ पर अच्छे से मैरिनेट हो गया है। और मैं पहले ये सोच रही थी कि ये वाली जो मतलब देखची है ना, ये पॉट जो है ये मैं निकाल देती हूँ, बट फिर मुझे ये हुआ कि नहीं रहने देती हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है जैसे अभी मैंने मैरिनेशन के लिए इसको यूज़ किया है। ये हमारी टेबल है, इस पर हम लोगों ने पहले टीवी भी रखा हुआ था, फिर ऐसा ये सामान रखने के लिए हमने यूज़ भी किया है। सो ये अच्छी खासी सही है, लेकिन इस पर इतना कबाड़ है ना, और ये बिल्कुल भी साफ़ नहीं हुई है। तो अभी मुझे ये सारा सारा ये क्लीन करना है, क्योंकि अभी हमारे पास ना ड्रेसिंग टेबल नहीं है, तो डेट्स वाई हमें इसको कुछ ऑर्गेनाइज़ करना है ताकि हम ये यूज़ कर सकें, क्योंकि फिर ऐसा ऐसा सामान परचेज़ करते रहेंगे जो भी है जिस चीज़ की नीड होगी। सो बहुत मुश्किल टास्क भी लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान है एज यू कैन सी। सो पहले मैं ना इसकी पूरी सेटिंग, डस्टिंग, क्लीनिंग सब कुछ कर लेती हूँ, फिर मैं अपनी सफाई स्टार्ट करूँगी। ये सारी मैंने क्लीनिंग कर ली है, ये सारा सामान फेंकने वाला है। वो शॉपर्स, बहुत सारे शॉपर में ना सामान हुआ हुआ था, उसकी वजह से भी ज़्यादा हो रहा था। इनकी कुछ फाइल है वहाँ बनी हुई, वो मैंने पीछे रख दी, क्योंकि समझ नहीं आ रहा वो फेंकनी है या नहीं फेंकनी ना। जो इनका सामान था वो मैंने सामने रख दिया, ताकि इनको ढूंढना ना पड़े और ये ख़राब ना हो, यहीं से उठाएंगे और यहीं प्लेस कर देंगे। नीचे जो है वो प्लास वगैरह जो मिले थे पेचकस, तो वो मैंने शॉपर में करके रख दिए हैं। इनका ये शेविंग का बॉक्स है और इस तरह की और कुछ चीज़ें हैं, तो वो मैंने नीचे प्लेस कर दिया। अब मैं बॉक्सेस लाऊंगी और जो है ना उसके अंदर रख दूंगी, तो उससे और ज़्यादा सिमट जाना है। यहाँ पर मैंने ज़्यादा भी सामान नहीं रखा, थोड़ा ऊपर का एक तो क्लीन रहे। इनकी कैप रख दी, मेरा पॉपिट और ये वाटर बॉटल, बाकी एक दो चीज़ें मेरी हैं तो वो यहाँ पर मैं रख दूंगी, क्योंकि या फिर ऐसे होता है लैपटॉप रखना है इनका, यहाँ पर लैपटॉप रखा हुआ है, वो मैंने यहाँ पर प्लेस कर देना है। और इसलिए मैं यहाँ पर रख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर सॉकेट है, हमें यहाँ मोबाइल चार्ज, वरना हमें कमरे से बाहर जाना पड़ता है और फिर ना जगह समझ नहीं आती। सो और इसमें मुझे ना तकरीबन 1 एंड हाफ नहीं, मैं 1 बजे बैठी थी और अब 1:43 हो रहे, तो बहुत टाइम लगा है और मुझे ये सारा क्लीन भी करना है। टाटा, मैं जो है ना तब तक मोबाइल भी चार्ज कर लूँ। ओके, सो अब मैं ये बनाने लगी हूँ ड्रम स्टिक। और ये फ्राई पैन है जो मैं लेकर आई थी, मतलब हस्बैंड लेकर आए थे, और इसके साथ ये लेड है, और इसका ये जो का है ना ये खुल कर यहाँ पर स्ट्रेट होकर लगेगा। अच्छा, और ये मैंने ये कोटिंग के लिए ना बैटर बनाया है, जैसे पकौड़ों के लिए मैदे का, वो बेसन का बनाते हैं ना, ये मैदे का बनाया है। ऐसे लास्ट टाइम मेरी मामा ने बनाया था। इसके अंदर मैंने 1 फुल ऑफ स्पून योगर्ट ऐड किए, और इसके अंदर मैदा ऐड किया है, चिली फ्लेक्स और नमक। बाकी इसको ना थोड़ा थिक बनाया है ताकि उसके ऊपर सही से स्टिक हो। अब मैं इसके अंदर ऑयल डालती हूँ ताकि सब कुछ फ्राई कर लेते हैं। मैंने रोटी बना ली है।
ये मैंने पकने के लिए रख दी हैं। और पहले मैंने हाई फ्लेम पे ऑयल गरम कर लिया, अब बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया, लो से मतलब लो टू मीडियम। और सेकंड ये कि मुझे ये लग रहा है बैटर बहुत ज़्यादा बन गया है, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कितना यूज़ होगा, अब देखते हैं। वैसे तो हाफ यूज़ भी हो गया है। और सेकंड ये कि ना इसको बहुत ज़्यादा मिक्स करना है, क्योंकि बहुत जो है ना, जब आप मैदा डाल के एकदम पानी डाल के मिक्स करेंगे ना, तो काफ़ी हद तक इसको मिक्स करना पड़ेगा। सो इसको थोड़ा करीब करते हैं ताकि नीचे से आग इस पे ही लगे। ये अभी नीचे से बहुत अच्छी तरह ब्राउन नहीं हुई है, पक सी गई है लेकिन ब्राउन नहीं हुई है। मुझे थोड़ा रोस्ट की तरह में डार्क ब्राउन चाहिए, तो काफ़ी प्लेस खाली है। मैं सोच रही हूँ और ऐड कर देती हूँ ना, क्योंकि फिर ये बहुत टाइम ले रहा है, और फिर एक पक साइड मतलब 5 पीसेज पक जाएंगे, 5 नहीं होंगे, तो ये है कि अच्छा एक साथ लेकर बैठ जाएंगे। सो आज मैंने दोनों न्यू प्लेट्स भी निकाल ली फाइनली, ताकि हम आज इसमें खा लें। एंड इट्स लुक सो क्यूट। और यहाँ पर 0 कैलोरीज, कोल्ड ड्रिंक भी और केचप भी। अब मैं लेकर जा रही हूँ इसको, देखकर ना वैसे मेरे बड़े पापा याद आते हैं, क्योंकि वो बहुत शौक़ से पीते थे 0 कैलोरीज वाली, और उनसे ही मुझे भी लगी है, तो मैं यहाँ आकर जब भी आती हूँ ना ये लेती हूँ। तो अब खाना खाते हैं और मैं यहाँ पर ब्लॉग करूँगी एंड। अल्लाह हाफिज़।